सेक्टर 9 हॉस्पिटल सेक्टर के मार्केट में स्थित बस्ती में बीती रात एक को भीषण आगजनी हो गई, जिसमें कई झोपड़पट्टी जलकर स्वाहा हो गए। इस आगजनी में 4 से 5 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जिसमें आग और ज्यादा भड़क गई। इस आग में लगभग 28 से 30 घरों को स्वाहा कर दिया, लेकिन आगजनी में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर 4 दमकल गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत कर काबू पाया है। घटनास्थल पर तहसीलदार समेत जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और इस आगजनी की घटना में हुए नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। आगजनी के पीड़ितों को पास के ही BSP अस्पताल में व्यवस्थापित किया जा रहा है। विलय हॉस्पिटल सेक्टर मार्केट में देर रात करीब 2:30 से 3 बजे एक बड़ा हादसा हुआ है। हमारे सतीश बौद्ध जी घटनास्थल पर मौजूद हैं, ये जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा मामला। जी सतीश जी, बताइए क्या है पूरा मामला। दीपांजलि, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच जो सेक्टर 9 अस्पताल है, जो भिलाई का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके पीछे एक मार्केट है, वहां पर झुग्गी झोपड़ी बस्ती थी जिसमें भयानक आग लग गई और इस आगजनी में लगभग 4 से 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जिसके कारण जो आग की तीव्रता थी और ज्यादा भयावह हो गई है और पूरे घरों को लगभग 25 से 30 घर इस आगजनी में स्वाहा हो गए। लेकिन इस घटना के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दो वहाँ के जो मजदूर तबके के लोग थे, वो उनका पूरा सामान जल गया और पूरा सामान जल के खाक हो गया। जी दीपांजलि। जी सतीश जी, बताया कि कितने घर जल के खाक हुए और कितने को नुकसान हुआ है। अभी तो आकलन करना, अभी जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे घटनास्थल पे, वो आकलन कर रहे हैं कि कितने का नुकसान हुआ। और आप घरों की जो संख्या आपने पूछा है, तो घरों की जो संख्या है लगभग 25 से 30 घर है और जो जो घायल हुए थे, जो अपने सामानों को निकालते समय थोड़े से आग से झुलसते थे, उनको अस्पताल में भेजाया गया है और उनका इलाज जारी है। और यहाँ पर जो अभी जो नुकसान का जो आकलन है वो अभी नहीं हो पाया है। मौके पर तहसीलदार क्षमा यादव और नगर निगम के जो कमिश्नर है, सब वहाँ पर मौजूद है। जी जी सतीश जी, आप मुझे बताएं, जब ये घटना हुआ तब कितने जनाधिकारी वहाँ पहुंचे थे और अभी इस वक्त कितने अधिकारी वहाँ मौजूद हैं? पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर आग लगी है वो मार्केट के पीछे पीछे है और ये बड़ा हादसा हो सकता था। सेक्टर 9 हॉस्पिटल सेक्टर के पास एक बस्ती है, वहाँ पे रात में 2:30 बजे के आसपास सिलेंडर के फटने से आगजनी की घटना घटित हुई। लगभग आसपास में लगे हुए 23 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, आग में जल गए पूरी तरीके से। इसमें जो सामान रखे हुए थे वो भी पूरी तरीके से जल गए हैं, पर इस घटना से किसी प्रकार की जनहानि का होना या दुर्घटनाग्रस्त होना नहीं पाया गया है। वर्तमान में जितने भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको निकटतम शासकीय अस्पताल में राहत कार्य के लिए रखा गया है। उनको उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है और जितनी उनको सुविधाएँ दी जा सकती है वो शासन प्रशासन के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही जो क्षति यहाँ पे हुआ है मकान का, उसका शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो प्रकरण बना के मुआवजा राशि दी जाती है वो दिया जाएगा। हम लोग रात को सोए हुए थे सब लोग, मेरी छोटी मतलब मामी सोई हुई थी और मामी की छोटी सी बच्ची सोई हुई थी, मतलब वो दूध पीती है अभी, तो हम लोग सब लोग सोए हुए थे साथ में और मेरी बड़ी मम्मी की लड़की, उन लोग भी सोए थे बाजू में। तो हम लोग ऐसी मतलब आग जला तो सब लोग, मेरी बड़ी मम्मी लोग चिल्लाए कि आग जल रहा, भागो भागो करके। तो हम लोग उधर से भागे और हम लोग के घर में क्या गैस सिलेंडर सब लोग था, तो हम लोग गैस को निकाले और भागे, लेकिन 4 फुट गया है पूरे तबाही से फूट गया। हम लोग के घर में पूरा राशन, कपड़ा, चप्पल, जूता सब कुछ जल गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हमारे लिए सरकार स्कूल कुछ नहीं करती। आप स्कूल पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम है तो आपका किताब और जल गया तो कैसे आप पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास किताब ही नहीं, तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे। कि मेरा झोपड़ी जब मैं आग लग गया सा तो हम दौड़ के आई, तो इसके बाद में मेरे को कोई पता ही नहीं चला, मेरे को चक्कर आके मैं गिर गई, मैं पानी मांग के पी, फिर मैं मेरे को चली गई हॉस्पिटल। घर जला आपका? मेरा तो मेरा भाई का और मेरा घर जला, दो घर में यार जला। नुकसान तो सर मेरा बर्तन भाड़ा, चावल आवल, बिस्तर, पलंग वलंग सब था, ये पैसा भी था मेरा, 5,000 रुपये दवा दी थी पलंग के पास में। जी सतीश जी, आप मुझे ये बताइए कि हानि, किसी को कोई हानि तो नहीं हुई है वहाँ पे? अभी एग्जाम का समय है,
और उनके सारे किताबें और पुस्तकें पूरी जल गई है। हमने वहाँ के पीड़ितों से बात भी की है तो उनका ये कहना था कि अब हम परीक्षा का समय हमारे पूरे पुस्तकें जल गई है तो हम किस प्रकार वहाँ पर अध्ययन करेंगे क्योंकि उनका घर भी पूरा जल गया है। जी जी पांजलि जी, सतीश जी आपकी इस जानकारी के लिए धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए आप हमारे इस न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।